Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under a new theme, Research Methodology, in which I discuss Qualitative Research Methodology. I am going to discuss a new methodology under Qualitative Research theme, that is Grounded Theory. हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च पर बात की है और डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की, ताकि बेसिक एजम्पशंस हम समझ सकें क्वालिटेटिव रिसर्चेस के क्या हैं। तो आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राउंडेड थियरी। बहुत पूछा जाता है और बहुत बहुत समझने में रोचक है। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है इसको जानना। जो नहीं भी करते हैं, जो क्वांटिटेटिव करते हैं, उनको भी जानना जरूरी है कि क्वालिटेटिव में किस तरीके से काम किया जाता है। ओके, तो लेक्चर विल बी बाइलिंगुअल मोड एंड useful for various examinations and for your research purpose too. So do subscribe my channel. Grounded theory. जमीनी सिद्धांत आप हिंदी में बोल सकते हैं, वैसे grounded theory बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा, grounded सिद्धांत बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा. Grounded theory is a qualitative research approach, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान का एक उपागम है. That attempts to uncover the meanings of people's social actions, interactions and experiences. जब हमने qualitative research की बात की थी, तो हमने बात किया था कि qualitative research का aim क्या है, वो क्या attempt करना चाहता है, वो attempt करना चाहता है, explore करना चाहता है, uncover करना चाहता है meanings को, अर्थ जो लोगों के सामाजिक actions में है, उनके interactions में है, उनके experiences में है, उसका main basic यही है. These explanations are called grounded because they are grounded in the participants' own explanations or interpretations. मतलब समझ में आया कि ये जो explanation निकल के आएगा हमारा, जो हमको प्राप्ति होगी, जो हमको outcome मिलेगा, वो grounded है. कहाँ grounded है? Participant के अपने explanation में, participant के interpretation में, यानी कि जो हमारा subject होगा, जिस पर हम study करेंगे, जिससे हम बातचीत करेंगे, जिसका हम interview लेंगे, participant observation करेंगे, वो खुद ही अपने अनुभवों की व्याख्या बताएगा और उसी से थ्योरी इमर्ज होगी. इसीलिए कहा जाता है कि ये ग्राउंडेड है और कहीं और ग्राउंडेड नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेंट के एक्सप्लेनेशन में ही दबी हुई है और वहीं से इमर्ज होती है. The grounded theory approach has been used by researchers in various disciplines. बहुत सारे disciplines में researchers इसको use करते हैं. It is totally based on data rather than trying to emerge theory from data. मतलब कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्चेस में, कि जो थ्योरी है वो डेटा से निकल कर आती है और यहाँ इमर्ज होती है. लेकिन यहाँ ये टोटली डेटा पे है, मतलब जैसे जैसे जितना डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से थ्योरी इमर्ज होगी और वही डेटा हमको ये बताएगा कि आगे हमको कितना डेटा कलेक्ट करना है, ये आप आगे समझ जाएंगे. स्टडीज दैट इनकॉर्पोरेट द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच आर बेसिकली अ स्टेप टुवर्ड्स कंसेप्चुअल थिंकिंग एंड थ्योरी बिल्डिंग रादर देन एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी. हम लोग क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है और उसको हम चेक करते हैं कि वो वेरीफाइबल है कि नहीं, टेस्टेबल है कि नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे. हमारे पास हाइपोथेसिस पहले से होती है. यहाँ पे हमको थ्योरी बिल्ड करनी है. किससे बिल्ड करनी है? डेटा से. डेटा किससे मिलेगा? पार्टिसिपेंट्स. As it is the systematic development of theory in social settings and it depends upon inductive approaches which are appropriate for the study mainly aimed at theory development. यानी कि थ्योरी डेवलपमेंट के लिए इंडक्टिव अप्रोच सबसे बढ़िया होती है और ये इंडक्टिव अप्रोच पर ही डिपेंड करता है. इंडक्टिव डिडक्टिव का मतलब हम आई थिंक कि आप जानते होंगे. इंडक्टिव अप्रोच किधर से चलती है? फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. और डिडक्टिव अप्रोच कहाँ से चलती है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. तो हम अभी इंडक्टिव डिडक्टिव में नहीं जाएंगे इस वक्त. यहाँ पर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इवेंचुअली थ्योरी स्टैंड इन क्लोज रिलेशनशिप टू वन अनदर. मतलब जब हम ग्राउंडेड थ्योरी का पे काम कर रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को यूज कर रहे हैं, तो डेटा का कलेक्शन, उसका मतलब हम आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और उसमें से थ्योरी का इमर्ज होना, ये तीनों आपस में इंटरवोवेन है, बंधे हुए हैं, क्लोज रिलेशनशिप में एक दूसरे के. द रिसर्चर बिगिंस विद एन एरिया ऑफ स्टडी एंड अलाउज द थ्योरी टू इमर्ज फ्रॉम द डेटा. जो रिसर्चर होता है वो एक अध्ययन का क्षेत्र होता है उसका, और वो अनुमति देता है अपनी कि डेटा में से थ्योरी निकले. ग्राउंडेड थ्योरी इज बिकॉज दे आर ड्रॉन फ्रॉम डेटा. क्यों? क्योंकि डेटा से निकाली जा रही है, इसीलिए इसको ग्राउंडेड थ्योरी का नाम दिया गया है. आर लाइकली टू ऑफर इनसाइट, अंतर्दृष्टि मिलती है इससे. इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित होती है. एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल गाइड टू एक्शन. और जो हमारा एक्शन होता है, जो कार्यक्षेत्र होता है, उसके लिए हमको एक गाइड मिलती है. अर्थपूर्ण, सॉरी,
फिर हिस्ट्री पे जाएं, कहाँ से शुरू हुई, किसने बात की, कैसे बात की गई, कैसे ये क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथोडोलॉजी बनी. तो ग्राउंडेड थियरी वॉज फर्स्ट डेवलप बाई सोशियोलॉजिस्ट बार्नी ग्लेजर एंड एंसलम स्ट्रॉस. तो मतलब ग्लेजर एंड स्ट्रॉस के नाम से फेमस है. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे क्रिटिसाइज द प्री डोमिनेंट अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च विच दे फाउंड टू बी वेरी लिमिटेड. मतलब उन दिनों जब ये थियरी डेवलप हुई तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च आई, देखिए पहले क्वांटिटेटिव थे, क्वालिटेटिव बाद में इमर्ज हुई, तो उन्होंने पाया कि बहुत कम अप्रोचेस हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज की जा रही हैं. तो ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने क्या किया, पायनियर्ड अ न्यू मेथोडोलॉजी. उन्होंने एक न्यू मेथोडोलॉजी विकसित की फॉर डिस्कवरिंग थियरी, ताकि हम थियरी निकाल सकें बाय टेकिंग एन इंडक्टिव अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च. यानी गुणात्मक अनुसंधान में इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए एक थियरी निकालने के लिए ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने एक मेथोडोलॉजी बताई. They formally presented their newly developed research method by publishing the Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. तो 1967 में ये किताब लिख रहे हैं Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research, और यहां से ये qualitative research के literature में आती है Discovery of Grounded Theory, कैसे grounded theory की खोज की गई और किस तरह से ये qualitative research की एक strategy बन सकती है. After the first publication, the duo continued to work together on various research products, projects and wrote four more books. मतलब Glaser and Strauss इसके बाद काम करते रहे इस पर, और उन्होंने बहुत सारा और काम किया, लेकिन ये बाद में इनकी राहें मुड़ जाती है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं ये लोग, अलग अलग थीम पे अलग अलग उसके स्टैंड्स ले लेते हैं. ग्लेजर पब्लिश्ड अनदर बुक टाइटल्ड थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी एडवांसेस इन द मेथोडोलॉजी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी एंड ग्लेजर्स वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड द क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी. देखिए ग्लेजर बाद में एक दूसरी बुक लिखते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी के नाम से, और इनके काम को क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी माना गया. और स्ट्रॉस दूसरी बुक लिखते हैं 1987 में क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर सोशल साइंसेज. However, philosophical perspectives have changed. तो यहाँ पे ग्लेजर और स्ट्रॉस दोनों का philosophical perspective change हो जा रहा है, जबकि ग्लेजर का positivist version है, जबकि स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन post positivism stance को ले लेते हैं. देखिए आपको पता होगा कि positivist और post positivist में क्या अंतर है. positivist जो हैं, वो ये मानते हैं कि logical चीजें होनी चाहिए, मतलब हर चीज वेरीफाइबल है, logically आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि post positivism stance ये है कि हर चीज नोएबल नहीं है, हर चीज हम नहीं जान सकते, कुछ ना कुछ छूट जाएगा. कब, जब हम ह्यूमंस पे, जब हम सोशल साइंसेज में स्टडी कर रहे हैं. तो ये दो मेन स्टांस है. तो ग्लेजर जो क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी वाले हैं वो पॉजिटिविज्म में रह गए, या उन्होंने उसको अपनाया, और स्ट्रॉस आगे निकल के पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ गए. और सिंस देन वेरियस इवोल्यूशंस ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी मर्ज. उसके बाद से ग्राउंडेड थ्योरी की बहुत सारी इवोल्यूशन आए, इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स बाय स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन. स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन बाद में एक नई किताब लिखते हैं बेसिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च को, ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स 1990 में लिखी जा रही है ये. दिस शिफ्टेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल इमर्जेंस ऑफ थियरी बाय डिजाइनिंग एन एनालिटिकल कोडिंग फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिंग थियरीज फ्रॉम डेटा सिस्टमेटिकली. मतलब इन्होंने अपनी दिशा अलग कर ली. फिर एक ये नया, मतलब एक तो है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी जो किसका हो गया, ग्लेजर का, ये मैं आगे बता देने वाली हूँ आपको. फिर स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन का इवॉल्व्ड ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, और उसके बाद कैथी का आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी. मतलब ये एकदम ही दूसरी इन्होंने दिशा पकड़ ली. इन द 1990s कैथी चैरमेज, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रॉस एंड ग्लेजर, पब्लिश्ड अ न्यू अप्रोच कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी. जैसे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट शब्द आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिसिपेंट है, वही थ्योरी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना. एंड आर्ग्यूड दैट नाइदर डेटा नॉर थियरीज आर डिस्कवर्ड. वो कह रहे हैं कि डेटा नहीं डिस्कवर किया जा रहा है, थियरी नहीं डिस्कवर की जा रही, बल्कि क्या हो रहा है, बट आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू द रिसर्चर्स पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस. जो रिसर्चर है उसका पुराना और नया अनुभव मिलकर ग्राउंडेड थ्योरी को, मतलब थ्योरी को इमर्ज कर रहा है. इन 2006 चैरमेज पब्लिश्ड हर बुक टाइटल्ड कंस्ट्रक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी अ प्रैक्टिकल गाइड थ्रू क्वालिटेटिव एनालिसिस. दिस मेक्स हर वर्क द थर्ड वर्जन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी. तो इनकी जब किताब आ रही है कंस्ट्रक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी, तो ये तीसरा वर्जन हो गया, यानी कि तीन वर्जन हो गए, क्लासिकल, इवॉल्व्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट. ये नेक्स्ट स्लाइड में, ये तीन, ट्रेडिशनल और क्लासिकल जॉनर, इवॉल्व्ड ग्राउंडेड थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी. तो जो क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी है उसके जनक या प्रतिपादक कौन है, ग्लेजर हैं. जो इवॉल्व्ड है उसकी स्ट्रॉस, कॉर्बिन एंड क्लार्क हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसकी कैथी हैं. तो ट्रेडिशनल वाले क्या कह रहे हैं, द गोल ऑफ ट्रेडिशनल जीटी इज टू जनरेट ए कंसेप्चुअल थ्योरी दैट अकाउंट्स फॉर ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज रेलेवेंट एंड प्रॉब्लमेटिक फॉर दोज इन. यानी कि ये पॉजिटिविज्म स्टांस को मान रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि बस ये मान रहे हैं कि थ्योरी जो है वो ग्राउंडेड है, इमर्ज हो रही है.
लेकिन स्ट्रॉस, कॉर्बिन एंड क्लार्क क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फाउंडेड ऑन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, अभी के नया शब्द आ गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, क्या है ये? एंड स्टेम्स फ्रॉम वर्क एसोसिएटेड विद दिस एंड दिस. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है. किसका? दैट रिलाइज ऑन द सिंबॉलिक मीनिंग पीपल एस्क्राइब टू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो सामाजिक अंतः संबंध लोग स्थापित करते हैं आपस में एक दूसरे से, उसमें वो सिंबॉलिक मीनिंग, कौन सी चीज को किस को क्या अर्थ देते हैं, किस सिंबल को. तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एड्रेसेस द सब्जेक्टिव मीनिंग पीपल प्लेस, यानी कि हम लोग वस्तुओं को, व्यवहार को, घटनाओं को जो सब्जेक्टिव मीनिंग देते हैं. ऐसा तो नहीं कि कोई घटना मेरे लिए जैसी है वैसी ही आपके लिए, आप उसको किसी दूसरे नजरिए से देखते हैं, मैं उसको किसी दूसरे नजरिए से देखती हूँ. तो उसको जो मीनिंग दिया जा रहा है, इसके पीछे बेसिक ये चल रहा है इवॉल्व जीटी में. और कंस्ट्रक्टिविस्ट तो ये कह ही रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिसर्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दोनों का इंटरेक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहा है एरिया ऑफ इंक्वायरी को या थियरी को. ओके, स्टेजेस. अगर हम ग्राउंडेड थ्योरी अपनाने जा रहे हैं फिर रिसर्च में, तो कैसे चलें, कहां से चलें? कॉन्सेप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन. यानी कि कॉन्सेप्ट निकलेगा कहां से? हम पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू करेंगे, हम उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम रिफ्लेक्शन करेंगे. फिर द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, फिर हमको क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा बहुत निकलता है, ओपन एंडेड है ना, इतना डेटा कि वही डेटा आपको संभालना सबसे भारी काम है इसमें. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा उसको, किसमें, कैटेगरीज में, ताकि किस तरीके का डेटा एक जगह जाएगा, किस तरीके का एक जगह जाएगा, कौन सी उसमें से कॉन्सेप्ट्स निकल के आ रहे हैं, कौन सी अलग अलग, कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ डिसिमिलैरिटी है. तो ये क्या बन जाएंगे, थीम्स बन जाएंगी या सब प्लॉट्स बन जाएंगे. फिर द कैटेगरीज डेवलप, दे आर कंपेयर्ड विद वन अनदर एंड टू और मोर कंपीटिंग थियरीज आर आइडेंटिफाइड. फिर जो कैटेगरीज डेवलप हो रही है उनका कंपेरिजन होगा और तब थ्योरी इमर्ज होगी. और लास्ट में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट मैप. यानी कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है उसका जो लास्ट स्टेप है उसमें रिसर्च हाइपोथेसिस जनरेट होती है, और जबकि क्वांटिटेटिव में हम रिसर्च हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, है ना. तो ये डिफरेंस है. फिर थियोरिटिकल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड थ्योरी के लिए. यही थियोरिटिकल सैम्पलिंग ग्राउंडेड थ्योरी में यूज होती है. जनरली क्वालिटेटिव रिसर्चेस में पर्पसिव सैम्पलिंग है, तो थियोरिटिकल और पर्पसिव में थोड़ा सा ही अंतर है. और आपकी जो क्वांटिटेटिव है उसमें तो रैंडम सैम्पलिंग चलती है ना. तो थियोरिटिकल सैम्पलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, यानी उसका एक एकदम अंतरंग पार्ट है. कैसे? एज इट लीड्स द रिसर्चर ऑन व्हाट टू कलेक्ट नेक्स्ट. देखिए चूंकि इसमें पहले से कुछ तय नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि किससे कितना डेटा आपको मिलना है, तो आप जब इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो जितना डेटा आपको निकल गया है वो ये तय करता है कि नेक्स्ट किससे आप इंटरव्यू करेंगे और कहां से आपको डेटा मिलेगा. तो ये बताता है, आपको राह दिखाती है कि अगला सैंपल कौन होगा हमारा. इन दिस रिगार्ड द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेड बाय ग्लेजर एंड स्ट्रॉस दैट व्हाट थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज एंड व्हाट इज इट्स रोल इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच. वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर जनरेटिंग थ्योरी वेयर बाय द एनालिस्ट जॉइंटली कलेक्ट्स and analyzes his data and decides what data to collect next and where to find them in order to develop his theory as it emerges. क्योंकि क्या चल रहा है, डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इमर्जेंस सब साथ में चल रहा है, तो हमको दिशा मिलती है कि नेक्स्ट हमको कहां से डेटा को कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है. और ये आपको अभी थियोरेटिकल सैचुरेशन एक पॉइंट मिलेगा, वो बताएगा कि हम कब तक डेटा कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले से तो कुछ तय नहीं किया है क्वांटिटेटिव की तरह से कि हम 350 सैंपल है हमारा स्टूडेंट्स का, तो तब तक करते रहेंगे जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, जब तक डेटा रिपीट ना होने लगे, जब तक कोई ऐसी चीज ना निकल के आए जो नई हो, मतलब नई चीज आना रुक ना जाए, तब तक डेटा कलेक्ट करना है. स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन क्या कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग रादर देन बीइंग प्री डिटरमाइंड, है ना, यही बात में कहने जा रही हूँ. प्री डिटरमाइंड नहीं है, पहले से सुनिश्चित नहीं है कि हाँ हम चार हमारे सैंपल रहेंगे. बिफोर बिगिनिंग द रिसर्च इवॉल्व्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, हो सकता है कि एक ही सैंपल से आपका काम चल जाए. इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द एनालिसिस एंड दैट अपीयर टू हैव रिलेवेंस टू द इवॉल्विंग थ्योरी. द एम ऑफ थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज. हमको क्या करना है, अवसर एकदम मैक्सिमाइज करने हैं, तो ताकि क्या हो, इवेंट्स, इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स को हम कंपेयर कर सके. कॉन्स्टेंट कंपेरिजन मेथड इसमें चलता है. टू डिटरमाइन हाउ अ कैटेगरी वेरीज इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशंस. फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग और पर्पसफुल सैम्पलिंग में या पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है. क्या? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी पर्पसफुल सैम्पलिंग है. क्यों? क्योंकि हमने पर्पसिवली किसी को चुना है ना, सैंपल बनाया है ना. बट इट्स पर्पसिव सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज दैट वन डेवलप्स फ्रॉम वन्स एनालिसिस एंड दीज कैटेगरीज आर नॉट बेस्ड अपॉन कोटास, दे आर बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसर्न्स. यानी कि जो हमने सैंपल अपना चुना है तो है ये पर्पसिव सैम्पलिंग, लेकिन ये कैटेगरीज पे डिपेंड करती है.
कोटा पे डिपेंड नहीं करती, ये थियोरिटिकल कंसर्न पे डिपेंड करती है, मतलब पहले से इन्हें नहीं चुन लिया है, सब कुछ इवॉल्व होगा, सब कुछ भविष्य के गर्त में है कि कितना डेटा मिलेगा और कितना हमको किस दिशा में आगे जाना है। बेनिफिट्स क्या क्या है, बहुत सारे, जैसे इज नॉट कंसर्न विद वेदर और नॉट समथिंग हैज बीन डन बिफोर, इसका इससे मतलब नहीं है कि कोई चीज पहले हो गई है या नहीं हुई है। ये क्या करती है, ग्राउंडेड थ्योरी, रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट पार्टिसिपेंट्स से अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, जो जो हमारा सैंपल है, जो हमारे पार्टिसिपेंट है, उनके अनुभव उनके लिए क्या है, वहीं से हमको थ्योरी निकालनी है। दीज रिसर्चर्स आर लुकिंग फॉर मीनिंग, इसीलिए इसको मीनिंग मेकिंग भी कहते हैं। फिर द ग्राउंडेड थ्योरी मेथड अलाउज रिसर्चर्स टू यूज इंडक्टिव रीजनिंग, इंश्योरिंग दैट द रिसर्चर व्यूज द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव्स रादर देन इंपोजिंग देयर ओन आइडियाज। देखिए ये बड़ा खास है कि इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आपको बातचीत करनी है, इन्वॉल्व होना है पार्टिसिपेंट के संग, लेकिन अपने अपने आइडियाज को इम्पोज नहीं करना। इसको कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं कि हम जिस चीज के लेके कंफर्म है, हम बार बार अगर उसी को पोज करें तो वो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको न्यूट्रल रहना है। वहां पे सब्जेक्टिविटी आएगी, लेकिन वहां हमको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहना है जहां हम उससे बात कर रहे हैं। दिस इनकरेजेस ऑब्जेक्टिविटी, देखिए आ गई वही बात, एंड हेल्प्स प्रिवेंट प्री कंसीव नोशन, जो प्री कंसीव नोशन हमारे हैं वही हमारी रिसर्च पे नहीं आने चाहिए, बल्कि जो पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस है, जो पार्टिसिपेंट बता रहा है, वो निकल के आना चाहिए। इट अलाउज फॉर कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, मैंने आपको बता दिया। रिसर्चर्स में ऑल्सो चूज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस लास्ट स्टेज में निकल के आ रही है तो आप फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिसर्चर्स में ऑल्सो चूज टू, तो हो गया। It produces a clearer theoretical model. Researchers often produce more refined and detailed analysis of data. And because grounded theory emphasizes the interpretation of the data, it makes it easier for researchers to examine their own preconceived ideas about the topic and critically analyze. ठीक है। Limitations, देखिए limited, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती इसमें सारी अच्छाइयां मिलती हैं आपको। It does not promote consensus. अगर हम कहें जनमत संग्रह हम कराने जा रहे हैं, सब लोग एक बात पे एक मत हो जाएं, ये इसमें नहीं होने वाला। Because there are always competing views about the same phenomena. हमको सिर्फ अलग अलग अर्थ निकालने हैं, हमको ये नहीं करना कि सब लोगों को एक अर्थ पर लेकर नहीं आना है। It may seem like an overly theoretical approach. तो ये overly theoretical है। तो results that are too open-ended, इतना इतना data है, इतना result है कि आप उसको summarize करना, आपको categorize करना, it's a very tough task. Grounded theory is not concerned with whether something is true, false or right, wrong. हम ये बताने नहीं निकले हैं कि कोई घटना सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, बस वो घटना जिस पर घटित हुई है उसके लिए उस घटना का क्या अर्थ है, हमको सिर्फ ये निकालना। Grounded theory requires a high level of skill and critical thinking from the researcher. Researcher को भी एकदम critically involved रहना है, कहाँ उसको attach होना है, कहाँ detach होना है, बड़ा बड़ा एकदम meticulous सा ये skill है। They must have a level of objectivity, ask unbiased, open-minded questions and conduct interviews without being influenced by personal views or agendas. बार बार ये बात आ रही है, ठीक है। तो हमको conclude करना है ग्राउंडेड थ्योरी को कैसे करें। ग्राउंडेड थ्योरी प्रपोजेस दैट केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड कैन लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी। यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या कहती है, क्या प्रपोज करती है कि अगर हम अपने सामाजिक संसार का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, उसको सावधानी पूर्वक उसका प्रेक्षण करें, तो हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट इज इटरेटिव, ये इवॉल्व होती है, इवॉल्विंग है, एमिंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू थ्योरी फ्रॉम कलेक्टेड डेटा दैट अकाउंट्स फॉर दोज डेटा। और जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वही जिम्मेदार है थ्योरी के इमर्जेंस के लिए, इसीलिए इसका नाम ग्राउंडेड थ्योरी दिया गया, क्योंकि डेटा जो थ्योरी है वो कहीं सब्स्यूम्ड है, हमको बस उसको निकाल है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग, और अगर आप इसको करते हैं तो मतलब कितना कुछ आप निकाल सकते हैं, कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद भी नहीं जानते। बहुत अच्छी एक मेथोडोलॉजी है, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस है, ये रिसर्च की अप्रोच है। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।